हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बड़ी और आलू की सब्जी चावल के साथ और बथुआ के रायते के साथ। इस मौसम में बथुआ का रायता सभी पसंद करते हैं, तो हम चलो बनाते हैं। मैंने चने की दाल को रात को ही भिगो दिया था और अब मैंने उसको अच्छे से धो लिया है। मैं उसको अब मिक्सी में पीसूंगी और उसके साथ मैंने छोटे छोटे आलू लिए हैं, उनको मैंने उबाल लिया है। चना दाल में हरी मिर्च, अदरक मैं इसके साथ ही पीस लूँगी। लाल मिर्च मैं बहुत कम खाती हूँ, मेरे फैमिली में लाल मिर्च खाई नहीं जाती, तो मैं हरी मिर्च इसके साथ ही पीस लूँगी और पीसने से उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अदरक के साथ। चलिए तो अब हम दाल को, हरी मिर्च को और अदरक को जार में पीस लेते हैं। और ये आलू मैंने उबाल लिए हैं, दाल पिसकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब इसमें मैं हींग, नमक, सूखा धनिया, जीरा पाउडर ये मिलाऊंगी और थोड़ा काली मिर्च। काली मिर्च से थोड़ा डाइजेशन भी अच्छा होता है और उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता है। नमक इतना ही मिलाएंगे क्योंकि बाद में हमें ग्रेवी में भी डालना होगा, और थोड़ा काला नमक टेस्ट के लिए। बाकी हम गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए दाल को हमने फेंट लिया, इसको जितना ज़्यादा फेंटेंगे, पकौड़ियाँ जो बढ़िया होती हैं, हमारे यूपी में बड़ी बोला जाता है, ताज़ी बरी की सब्ज़ी, वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी। मेरा तेल गरम हो गया है, मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, मोस्टली मैं लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। ये मेरी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं और ये बहुत ही टेस्टी हैं, यकीन मानिए अगर आप इनको ऐसे भी चाय के साथ खाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि इसमें अदरक भी है और लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च हैं। ये मैं आलू मैंने जो बॉईल किए थे उनको मैं सुनहरा फ्राई करूँगी। इनको जितना हम सुनहरा तलेंगे ये सब्ज़ी में इतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और इनको हम वैसे भी हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, दम आलू के लिए भी ऐसे ही हम तलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे आलू हैं, आजकल तो छोटे छोटे आलू मार्केट में बहुत आसानी से मिल रहे हैं। आप नए आलू लेने जाएंगे उसके साथ छोटे आलू तो ज़रूर ही देंगे सब्ज़ी वाले। और ये आलू को मैंने बहुत अच्छे से तल लिया, और बड़ी के साथ तो ये आलू सब्जी ग्रेवी वाली बनाइए, सूखी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, और मुझे तो चावल के साथ बहुत। और ये टमाटर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, छोटे साइज के हैं, इनको मैं बड़ा बड़ा काटूंगी, इनको मिक्सी में नहीं पीसूंगी। ये इस वाली सब्ज़ी में बड़े बड़े टमाटर के पीस ही अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो इसमें प्याज और लहसुन डाल सकते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। अगर आपको लहसुन प्याज पसंद है आप डालिएगा, ये बहुत अच्छे लगेंगे लहसुन प्याज। और आलू भी गोलिए हैं देखिए, और आलू दोनों का एक जैसा कलर आ रहा है, दोनों को ही मैंने बहुत अच्छा पीसा है। अब इस कढ़ाई में जितना भी एक्स्ट्रा तेल है ये मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेल तो वैसे भी ठीक नहीं होता है। और मैं जीरा भूनने के लायक, हींग के लायक मैं इसमें तेल रखूँगी, ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हींग, जीरा, हल्दी पाउडर डालूँगी। आप चाहें तो इसमें प्याज भी भून सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए मेरा जीरा चटक चुका है, अब मैं इसमें कटे टमाटर डाल दूँगी और हल्दी पाउडर डाल दूँगी, सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, सूखा धनिया भी इसमें अच्छा लगता है। ये देखिए अब इन टमाटर को मैं ज़्यादा नहीं भूनूँगी, मुझे ये पेस्ट नहीं बनाना है, इसका ग्रेवी नहीं बनानी, सिर्फ इनको ऐसे ही बस थोड़ा सा फ्राई करूँगी जिससे कि ये थोड़ा सा गल जाए। और उसके बाद मैं इसमें जो मेरा मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी उसी में बर्तन में मैंने पानी डाल लिया था, मैंने दाल को वेस्ट फेंका नहीं, उसमें थोड़ा सा रह जाता है, तो मैं वही वाला पानी इसमें डालूँगी जिससे कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। हमें वैसे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी, अगर आप चाहें तो आप काजू या नारियल की ग्रेवी बना के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। अब इसको हम उबालेंगे, इसमें मैं नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें बहुत हल्का काली मिर्च का पाउडर,
क्योंकि मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, आप लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें ये पकौड़ियाँ और ये आलू डालेंगे। उधर मैंने चावल भी बनने रख दिए हैं क्योंकि इस वाली सब्जी के साथ मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। आप रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावल के ऊपर जब हम ये पकौड़ियाँ और ये आलू डालते हैं यम्मी लगता है। आप यकीन मानिए जब आप बनाएंगे तब आपसे कंट्रोल नहीं होगा कि जल्दी से खाएं। मुझे तो ये बहुत पसंद है और मेरी दादी को तो ताजी बरी वाली सब्जी बहुत पसंद थी, उनसे ही मैंने ये सीखा है। ये मेरी दादी जी की रेसिपी है। ये पानी बॉईल हो गया, मैंने इसमें आलू और बड़िया डाल दी हैं। ये बड़िया सारा पानी सोख लेंगी और ये बिल्कुल एक पकौड़ी की भुजिया जैसी, भुर्जी जैसी सब्जी बनेगी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। अगर आप लिक्विड पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। जितना कुछ आप डाल ऐड करेंगे इसमें वो इतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैं तो वेट लूज़ करने के चक्कर में हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रही इसमें मलाई, लेकिन दही मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं बथुए का रायता बनाऊँगी इसके साथ और मुझे बथुए का रायता बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे रायते के लिए मैं चमचा गरम कर रही हूँ। मुझे ये वाला छोंक जो होता है रायते का, जिसमें से आग निकलती है, जब हम छोंक लगाते हैं रायते में और उसमें से जब एक आग जैसी जाती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसी से रायते में जो खुशबू आती है ना, आप समझ नहीं सकते कि वो एक हमारा यूपी का एक बहुत, मतलब रायते का एक बहुत अच्छी खुशबू देने वाला है। ये देखिए मेरा छौंक तैयार हो गया रायते का, मेरे चावल भी तैयार हो गए हैं। अब मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। रायते में मैं हल्का हींग और जीरे का तड़का लगा दिया है, बस काली मिर्च डालूंगी और नमक डालूंगी, बस और कुछ नहीं। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, एक लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने जीरा पाउडर डाला है और जीरा पाउडर और काली मिर्च और ये काला नमक, बस मेरा रायता रेडी है। आप इसकी खुशबू मैं बता नहीं सकती, मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा कि मैं फटाफट ही रायता पीऊँ। वैसे भी मुझे दही मठा छाछ का बहुत शौक है। ये मैंने इसमें पिसा हुआ बथुआ डाल दिया है। मैं बथुआ उबाल कर पीस कर स्टोर कर लेती हूँ, दो तीन दिन चल जाता है, फिर इकट्ठा पीस कर रख लेती हूँ। मुझे बथुआ का रायता, गाजर का रायता बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे गाजर के रायते की रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है आलू मेथी की सब्जी के साथ गाजर का रायता। ये चावल तैयार हो रहे हैं, ये देखिए। ये मैं चावल जो बनाती हूँ वो स्टार्च वाले बनाती हूँ। चावल तैयार हो गए मेरे। इसके साथ चावल बिल्कुल बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते, खिले खिले चावल, थोड़ा सा बंधे बंधे चावल अच्छे लगते हैं। और ये मैंने इसके ऊपर डाल दी सब्जी, हरा धनिया सब्जी में मैंने डाल दिया था। हरे धनिया के बिना तो सर्दी में सब्जी का मज़ा ही नहीं है। और ये गाजर का रायता भी आप इसके साथ ले सकते हैं, पर मैं बथुआ का रायता ले रही हूँ क्योंकि बथुआ मेरे पास उबला हुआ तैयार रखा था फ्रिज में। ये देखिए बस, बाकी सब फैमिली जब खाएगी तब खाएगी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं ये चावल और ताजी बड़ी की सब्जी आलू के साथ, रायते के साथ खाने वाली हूँ और थोड़ा चटनी। मैं आंवला की चटनी बनाकर स्टोर कर लेती हूँ 4-5 दिन के लिए, वो मेरे पास हमेशा तैयार रहती है। ये आंवला की चटनी, वैसे भी आंवला इस मौसम में खाना चाहिए, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखता है, आपके बाल अच्छे रहते हैं, तो मैं हमेशा बना कर रखती हूँ आंवला की सब्जी और आंवला की चटनी। चलिए अब हम ये एंजॉय करते हैं, चावल, ताजी बड़ी की सब्जी और बथुआ के रायते के साथ। ये मैंने चने दाल की बड़ी बनाई है। आप चाहें तो मूंग दाल की भी बना सकते हैं, उड़द दाल की भी बना सकते हैं। तीनों दालों की बढ़िया ताजी बड़ी की सब्जी बनती है। ये बथुआ का रायता और ये आलू बड़ी की सब्जी। आइए एंजॉय कीजिए और एक बार आप ज़रूर बनाकर देखना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।
जय माता दी।